कर्मों का फल देखना सबको पसंद है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी कभार ही होता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। तो आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए। आज हम आपको कर्मा की कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रहे हैं जहाँ बुरे लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलती है। बदबूदार ड्रिंक। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के लेवर्टन में पुलिस को क्राइम सीन पर बुलाया गया, लेकिन एक बात तो इसमें पक्की थी कि अपराधियों को पहले ही पनिशमेंट मिल गई थी। जब एक टूर बस ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास वापस आया, तब उसने देखा कि उसकी गाड़ी की फ्यूल कैप जमीन पर पड़ी है और उसकी गाड़ी की गैस निकालने की कोशिश की गई थी। आमतौर पर चोर कैप को निकालेंगे और फिर उससे एक पाइप को जोड़कर फ्यूल को चूसते हैं ताकि फ्यूल आराम से फ्लो कर सके, लेकिन जब बस ड्राइवर ने ध्यान से देखा तब एक्चुअल फ्यूल कैप अभी भी उसी जगह पर थी। और उन्हें शॉक तब लगा जब उन्हें पता चला कि जमीन पर वो कैप पड़ी थी वो उनकी गाड़ी के सीवेज टैंक की थी। और इस बात का पक्का सबूत देखा जा सकता था कि उनके फ्यूल चूसने की प्रक्रिया में उन्होंने कुछ ऐसा चूस लिया जो उन्हें नहीं चूसना चाहिए था। ऑफिसर्स को भी उनके भागने के निशान मिल गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस को इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वे उस चुराए हुए सामान को पाना ही नहीं चाहते थे। कर्मा, तुम सच में बहुत ही बुरे हो। डबल फ्लाइट टिपिंग। यूके में रहने वाला एक किसान अपनी जमीन पर कचरे फेंके जाने से परेशान हो गया था, जिसके लिए उसने अपनी जमीन की निगरानी करने की सोची ताकि वो उनको पकड़ सके। वो इसमें सफल भी रहा और अप्रैल 2019 में उसकी संपत्ति पर घुसपैठ करने वाले कुछ सफेद वैन वाले लड़कों को देखा भी, लेकिन उनमें से एक से लड़ना काफी नहीं था तो किसान ने अपने दोस्त को बुलाने के लिए सोचा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसका दोस्त एक डिगर ट्रक का मालिक था। अपने दोस्त की मदद करने के लिए उन्होंने उन घुसपैठियों की कचरे की वैन को पलट कर रख दिया, जिससे इस फार्मर को ये समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। घर में लाकर आवाज। कभी कभी सजा लोगों को अंदाज में मिल जाती है और ऐसे ही अलग अंदाज की सजा कांस में रहने वाले आदमी लॉरेंस रिपल को बैंक चोरी करने पर 2017 में मिली थी। चोरी के दौरान बैंक टेलर ने उसे पैसे दे दिए, जिसके बाद लॉरेंस आराम से लॉबी में बैठकर पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे और उनके आने पर भी उसने किसी तरह की आनाकानी नहीं की। इसलिए जब पुलिस वाले ने लॉरेंस की पत्नी से पूछताछ की तब पता चला कि वो चोरी करके भागना क्यों नहीं चाहते थे। उनकी पत्नी को उनके सभी प्लान्स के बारे में मालूम था। जब उन्हें कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई। उन्हें 6 महीने के लिए उनके घर में ही कैद रखा गया। मुझे लगता है कि इतना वक्त उनकी प्यारी पत्नी के बिताने के लिए काफी होगा। मेरी जमीन पर ऐसा मत करो। जब रेडिटर अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें पसंद नहीं था कि उनके किचन की खिड़की सीधा उनके पड़ोसी के किचन के सामने थी, इसीलिए थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए उन्होंने अपनी खिड़की के आगे कुछ पौधे लगाए ताकि वो थोड़ी प्राइवेसी पा सके। भले ही इसमें उनका खर्चा हुआ था, लेकिन ये जरूरी भी था। अगले ही दिन उठने पर उन्हें पता चला कि उनके पेड़ों को काट दिया गया है और जब वे अपने पड़ोसी से बात करने गए तब उसने कहा कि ये पेड़ उसकी प्रॉपर्टी पर लगाए गए थे। वे अपने नए पड़ोसी से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए रेडिटर चुप ही रहे और उसने कुछ नए पेड़ लगाए, लेकिन अपने घर के और भी ज्यादा पास, और ये साफ था कि वो सब रेडिटर की प्रॉपर्टी पर ही थे। लेकिन उनके पड़ोसी ने फिर से इन सभी पेड़ों को काट दिया, वो भी पुराने क्लेम के साथ। बस रेडिटर का पेशेंस यहीं पर पूरा हुआ और उन्होंने एक प्रोफेशनल को प्रॉपर्टी की जाँच करने के लिए बुलाया, जिससे स्पष्ट हो गया कि पड़ोसी गलत क्लेम कर रहा था, बल्कि उनके पड़ोसी का फेंस उनके एरिया पर कब्जा कर रहा था। तो इस लंबी कहानी को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उनके पड़ोसी को अपने बैकयार्ड का एक चौथाई हिस्सा खोना पड़ा और साथ ही रेडिटर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए $10,000 भी भरना पड़े, और साथ ही में अब पेड़ों को कोई निकालेगा भी नहीं। अपनी किस्मत को सीमेंट में डालना। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके पास स्पोर्ट्स कार हैं तो वो भी कुछ कर सकते हैं, भले ही दूसरों को परेशानी क्यों ना हो, लेकिन शुक्र है कि फिजिक्स इन गधों के हिसाब से काम नहीं करता और लोगों को इसका हर्जाना भरना पड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जब हजारों अहंकारी रूल तोड़ने वाले अपना रौब जमाते वक्त सीमेंट में फंस चुके हैं। वैसे तो ऐसे केसेस देखना आम बात है और संतोषजनक भी। वैसे सच कहूं तो ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सीमेंट एकदम परफेक्ट है, इससे वे हवा में उड़ने की जगह जमीन से चिपके रहेंगे। कर्मों का चाबुक। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग किसी चीज के खिलाफ रैली निकालते हैं वे कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन इस हिपोक्रेसी की सजा अक्सर ऐसी नहीं होती जैसी कि इस इंडोनेशियन आदमी को मिली। उस आदमी का नाम था मखिल्स। मखिल्स खुद उस काउंसिल का हिस्सा थे जो कि बने हुए कानूनों को सुमात्रा द्वीप के आचे क्षेत्र में लागू करवाते थे, जहां किसी भी दोषी को अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस कानून के पास होते ही मखिल्स खुद एक शादीशुदा महिला के साथ पकड़े गए। बस फिर गया था। उस जोड़ी को भरी भीड़ के सामने 51 बार कोड़े मारे गए। वैसे ये कानून सच में सख्त है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आप उपदेश देना जानते हैं तो आप उसको निभाना भी सीखिए, खास करके तब अगर आप ऐसा किसी और के साथ कर रहे हैं। सदी की शानदार चोरी। एक आयरिश बंदा 2017 में अपने पिता की कब्र के पास गया, लेकिन कब्रिस्तान में वो जिस आखिरी चीज की उम्मीद कर रहा था वो प्रफुल्लित करने
वाली थी, लेकिन जब वो एक क्राइम सीन के पास आया तब उसे ये देखने को मिला। उस सेमेट्री के पास एक नकली ईंटों से बनाई हुई बिल्डिंग थी जहाँ एक भारी भरकम दरवाजा भी था, और आगंतुक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रातों रात किसी ने वहाँ पर एक छेद कर दिया था। धीरे धीरे सभी बातें साफ हो गईं, किसी की नजर इस बिल्डिंग पर थी और वहाँ ताला पाकर लोगों ने ये सोचा कि वो बेशकीमती खजाना होगा, इसीलिए थोड़ी मेहनत करके उन्होंने अंदर जाने की सोची। पहले तो उन्होंने ताला तोड़ने की सोची लेकिन विफल रहे, उसके बाद उन्होंने छत से अंदर जाने की सोची लेकिन उसमें भी विफल रहे, जिसके बाद उन्होंने दीवार में छेद किया और अंदर उन्हें जो मिला वो विरासत नहीं था बल्कि एक टॉयलेट था। वो लोग इस सेमेट्री के बाथरूम में थे। अगली बार ऐसी चोरी बैंक में करने की कोशिश करना। कर्मा और कैचअप। कभी कभी जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं, और ऐसा ही कुछ 2011 में हुआ जब एक सघोषित ऑफुल आदमी ने होटल से कैचअप की बोतल चुरा ली। हालांकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद रेस्टोरेंट वालों को उनके टेबल पर एक नोट मिला। इस नोट में उसने अपने पूरे क्राइम के बारे में लिखा था, जहां उसने ये क्राइम की शुरुआत कैसे की ये भी लिखा था। लेकिन अफसोस, उसकी बदकिस्मती उसके साथ थी। उस कैचअप बोतल के चुराने के कुछ घंटों के बाद किसी ने उसकी कार को टक्कर दे मारी, जिसके बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रही। इसीलिए उसने होटल वालों को एक बोतल केचप के साथ दूसरी बोतल भी गिफ्ट कर दी, शायद इससे उसके पाप बैलेंस हो जाएं, और वो इसमें सफल भी हुआ। इस नोट को ऑनलाइन शेयर भी किया गया और वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में हिंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को इसके बारे में पता चला और उन्होंने इस केचप चोर की खोज शुरू कर दी, और उन्होंने उसे पब्लिकली माफी तो दी, साथ ही में इस शरीफ कार को रिपेयर करने का खर्च भी दिया। वाह, क्या स्टाइल है इनके पीआर का भी, जिसका नाम हम सकते हैं कैचअप बाय कर्मा। ईंट की तरह गिरना। कभी कभी कर्म सबसे अच्छा निवारक होता है। अगर इस चोर ने एंटी डिशबैगरी वार्निंग को सीरियसली लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, या फिर उसे इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। जब इंग्लैंड के डरहम में एक कार चोर ने पार्क की हुई कार को चुराने की कोशिश की तो उसे दीवार पर पटकने जैसा ही एहसास हुआ। सच कहूं तो उसके हिस्से में दीवार ही उसके पास आई, क्योंकि जब उसने ईंट को कार की खिड़की पर मारा तो वो उल्टा उसके चेहरे पर आ गई, और अब जो उसे दर्द हो रहा है वो उसके कर्मों की सजा है। इसलिए कभी भी कुछ भी करने से पहले सोच जरूर लें। आसानी से पकड़ा जाना। पुलिस का काम आसान नहीं होता, लेकिन उसे आसान बनाया जा सकता है अगर अपराधी खुद ही पुलिस का काम कर दे। यहाँ पर ओहियो के ऑफिसर्स द्वारा जुलाई 2019 में एक फुटेज कैप्चर की गई थी, जिसमें एक पियकड़ बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन शुक्र है कि अब वो किसी के लिए खतरा नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही पुलिस की गाड़ी के सामने अपनी कार पार्क कर दी और उसके बोनेट पर भी टकरा गया। हालांकि उसे इस बात का एहसास होने में थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ उसकी ईयरफोन्स कान में से उसने निकाले और शायद भागने की कोशिश की, या फिर पता नहीं वो इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये उसका डांस मूव हो। जो भी हो, उसे सजा तो मिली और पुलिस वाले खुश भी थे कि उनका काम आसान हो गया। वहीं रुक जाओ। कभी कभार कर्मा बहुत ही कठोर हो सकता है जब वो एक ऐसी पनिशमेंट देता है जो उसे नहीं देनी चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा 2012 में हुआ, जिसे स्टॉप साइन के कारण मौत की सजा मिली। नॉरवॉक कनेक्टिकट के टाइलर ए माइल्स जब रात में ड्राइविंग कर रहे थे तब वे दूसरे ड्राइवरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पी रखी थी या फिर रैश ड्राइविंग की थी, इसलिए क्योंकि वो स्टॉप लिखी रोड साइंस चुरा रहे थे और उसने अपनी गाड़ी के पीछे ऐसे कई साइंस इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन साइंस को चुराते वक्त उसका ध्यान बहुत सारे साइंस पर नहीं पड़ा और वो उन सभी साइंस को इग्नोर करते हुए क्रॉस करता जा रहा था। अगर वो इस साइन पर रुक जाता भले ही उसे चुराने के लिए, शायद उसकी जिंदगी कुछ अलग होती। उसने उस साइन पर ध्यान नहीं दिया और सीधा जाकर सामने से आ रही ट्रक से टकरा गया। ट्रक ने खुद को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन रोक नहीं सका, और क्योंकि इस आदमी ने अपनी सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी, उसकी मौत मौकाए वारदात पर ही हो गई। उस स्टॉप साइन के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन इन्हीं साइंस ने उसकी जान ले ली। दुनिया का भारी भरकम स्नोमैन। कुछ लोग गुस्से या प्रतिशोध के कारण सनके होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लेकिन सनके होना पसंद है। जैसे कुछ लोगों को दूसरे के सामान को नुकसान पहुंचाना पसंद होता है, या फिर भोले भाले स्नोमैन को तोड़ना। लेकिन जनवरी 2019 में केंटकी के एक स्नोमैन ने खुद की लड़ाई लड़ी। जब घर का मालिक घर वापस आया तो उसने अपने आंगन में टायर्स के निशान देखे, जिससे उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उसके घर न होने पर वहां पर कोई आया हुआ था। एक कार जानबूझकर उसके यार्ड में आई थी और उसने उस 9 फीट लंबे स्नोमैन को तोड़ने की कोशिश की, जो उसके घर के मालिक ने एक दिन पहले बनाया था। लेकिन एक बात थी जिसका अंदाजा कार ड्राइवर को बहुत देरी से हुआ, वो बात ये थी कि उस घर के मालिक ने स्नोमैन को बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया था और ड्राइवर उसी तने से टकरा गया था, जिससे स्नोमैन को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ उसकी कार को जरूर पहुंचा था। तो स्नोमैन वहीं पर खड़ा रहा जब वो कार ड्राइवर अपनी कार को लेकर भाग गया। दिल ने साथ नहीं दिया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कर्मा अपने पसंदीदा लोगों को ही चुनता है, लेकिन इस तरह के केसेस आपको ये बात सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब
अब गॉर्लियस ब्राजील में रहने वाले पादरी ने अपनी गाड़ी जनवरी 2019 में एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट पर पार्क की थी। तब वे चोरों के समूह को अपने कार के इर्द गिर्द देखकर शॉक हो गए थे। उन चोरों ने उनके कार का चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जब उनमें से एक चोर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें एक और सरप्राइज मिला। दरवाजा को खोलने वाला चोर जमीन पर गिर गया और क्योंकि उसके साथियों को समझ नहीं आया वे वहां से भाग निकले। फिर भी गिरे हुए चोर को अपने साथियों से शिकायत नहीं थी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं था। ऐसा लगता है जैसे पादरी की कार चुराते वक्त चोर को हार्ट अटैक आ गया और जल्द ही उसकी मौत हो गई। और शुक्र है कि पादरी बच गए, वहां अपनी कार में बैठकर निकल गए, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। इनमें से किन कर्मों की सजा ने आपको सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया? क्या आपके पास भी कर्मा की कोई ऐसी कहानी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो हो सकता है कि हम इसे अपनी आने वाली वीडियोस में शामिल कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।